शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो हमारी शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, जो हमारी पहली शिक्षिका है, महिला शिक्षिका, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको अपना फोर्च का जो इंडोर प्लांट है, फोर्च गार्डन, वो दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड ये मेरा क्रोटोन का पौधा है, कितना घना और बुशी हो गया है, 1 साल का ही है ये, और बहुत अच्छा दिखता है। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। और ये क्रिसमस का पौधा है, जो ये भी 1 साल ही हुआ है इसको। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने इधर कॉर्नर में बड़े से टब में मधुमालती की बेल लगाई है, जो मैंने जून महीने में खरीदी थी। छोटा सा ही प्लांट था, 50 रुपये में लाई थी। ये देखिए ऊपर तक गई है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। ये देखिए फ्रेंड कितनी बड़ी हो गई है ये। यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती है, पर ऊपर तो धूप आती है, तो मैंने ट्राई करा है, देखते फूल खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं मधुमालती में, तो क्योंकि मधुमालती को तो धूप की ज़रूरत होती है। और ये देखिए क्रोटोन का पौधा, और ये मेरा मनी प्लांट देखिए कितना बुशी हो गया है और घना भी हो गया है, और ये भी ऊपर तक गया है मनी प्लांट। और ये देखिए क्रोटोन कितना सुंदर और कितना हरा घना हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये जो पोर्च में मैंने लगाए हैं, इनको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ये धूप में भी चलते हैं और कम धूप में भी चलते हैं, इनको ज़्यादा खाद वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़े से गोबर खाद वगैरह दें तो भी ये प्लांट चल जाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा पोर्च का गार्डन है। फ्रेंड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए फ्रेंड, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड आपके सपोर्ट के बिना यूट्यूब पे चैनल चलाना तो मुश्किल ही होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।